लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दूसरे दिन फिर मेहनत करेंगे तो 100 सवाल में से फिर जो है 10 याद होगा, 20 हो जाएगा, 20 के बाद इसी तरह करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जो है 100 सवाल पूरा याद हो जाएगा। फिर चाहे आप कोई भी कंपटीशन बैठिए, किसी भी कंपटीशन में बैठिए, आपको 100 का 100 सवाल आ गया तो आप जो है टॉप कर जाएंगे, होगा कि नहीं? आपके किताब फर्स्ट प्राइज हिंदी दिवस के दिन इन्हीं का था। अच्छा। हाँ सर, काफ़ी अच्छा कविता भी है और इस कविता से लोगों को ये सीख मिलती है कि कभी हमको हार नहीं चाहिए। जो कि आज इनका कॉम्पिटिशन हुआ सर, उसके लिए तो ये इनका इनके द्वारा जो कविता गाई गई है वो एकदम बेनिफिशियल था। तो कुछ कहना है अलग से, किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो कुछ दिखाना चाहता है? हाँ, आपके यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को भी किसी को कुछ कहना है तो बोलिएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं, है ना? हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू, बहुत बढ़िया, तालियां। देखिए बहुत ही अच्छा कविता, और ऐसा कविता हर लोगों को गुनगुनाना चाहिए, क्योंकि कभी सर का होमवर्क नहीं कंप्लीट रहता है तो उसके लिए कभी पिटाई खानी पड़ती है, पर सर की रिस्पेक्ट करना तो हमें चाहिए। अगर सर की रिस्पेक्ट करेंगे तो हम आगे जाके कुछ ना कुछ बन जाएंगे। अच्छा, तो काम तो पूरा हो जाता होगा ना? डर लग रहा है? नो सर। सर से डर लग रहा है? नो सर। बिल्कुल डरते नहीं हो क्या? नो सर। डरते नहीं हो ना? डरते हो, किससे डरते हो? सर लोग से। नाम बताइए अपना पहले। सच्चिदानंद यादव। अच्छा, क्यों डरते हैं आप बताइए? सर अगर गृह कार्य नहीं पूरा होता है तो सर से डर लगता है कि सर पीटेंगे, अच्छा दंड देंगे, इसीलिए डर। अच्छा, पूरा हो जाएगा तो फिर? फिर नहीं डर लगता। तो फिर डर खत्म, यानी अपना काम पूरा कर देंगे तो फिर डरने की जरूरत नहीं है? यस सर। तो काम पूरा कर लीजिए, डरिए मत बिल्कुल, डर खत्म हो गया सर, है ना? यस सर। तो कभी मार खाए हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, मार खाते भी हैं? यस सर। तो काम नहीं पूरा होगा तो फिर मार खाएंगे? अच्छा, क्या नाम है? बोली अंशिका, कौन? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? वंशिका सिंह। अच्छा, आपके आपको भी डर लगता है सर से? यस। क्यों? क्योंकि कभी सर का होमवर्क नहीं कंप्लीट रहता है तो उसके लिए कभी पिटाई खानी पड़ती है, पर सर की रिस्पेक्ट करना तो हमें चाहिए। अगर सर की रिस्पेक्ट करेंगे तो हम आगे जाके कुछ ना कुछ बन जाएंगे। अच्छा, तो काम तो पूरा हो जाता होगा ना होमवर्क सर? यस। अच्छा, आपको सबसे अच्छा कहाँ लगता है, विद्यालय में या फिर घर पे? स्कूल। अच्छा, छुट्टी के दिन? अच्छा नहीं लगता है घर पे। लेकिन फिर भी तो लोग सोचते हैं कि नहीं अब संडे आ गया, छुट्टी होगी कल। मेरा मन नहीं करता, मेरा मन करता है कि स्कूल ही मेरा। अच्छा, तो पढ़ते पढ़ते कभी बोरिंग नहीं होता है कि मन नहीं कर रहा, थक गए? नहीं, बस मन करता है पढ़ने रहने, पढ़ते रहें। आपके सामने माता पिता खड़े हैं और सर जी भी खड़े हैं, तो सबसे पहले आप किसका पैर छुएंगे? टीचर। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही हमें पढ़ना सिखाया। सही बात है। आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु बलियारी आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि माता पिता भी भगवान है और माता पिता से भी बड़े भगवान जो है गुरु हमारे होते हैं, शिक्षक होते हैं। जो माता पिता तो पैदा कर देते हैं, जीवन दे देते हैं, लेकिन गुरु जो है इनको जीने का तरीका सिखाते हैं, इसलिए जो है सबसे बड़े भगवान जो है गुरु होते हैं, इसीलिए गुरु को महान कहा गया है ना? यस सर। चलिए ठीक है, बैठिए। और किसी को कुछ कहना है अलग से, किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो कुछ दिखाना चाहता है? हाँ, आपके यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को भी किसी को कुछ कहना है तो बोलिएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं, है ना? हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुप्रिया सिंह है जी। मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। अच्छा अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं ये। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ एक्टिंग के साथ। जी बोलिए, एक्टर के साथ तो बाहर उधर आना पड़ेगा ना? आइए, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा आगे आइए आप बिल्कुल। देखिए ये हैं, कविता सुनाएंगी और कविता शायद आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट में ज़रूर जो है इनको आशीर्वाद दीजिएगा। हाँ, सुनाइए आप। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सो बार फिसलती है। नन्नी चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर सो बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, उत्साह उसी हैरानी में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे तुम स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होता। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। थैंक यू। बहुत बढ़िया, तालियां। देखिए बहुत ही अच्छा कविता, और ऐसा कविता हर लोगों को गुनगुनाना चाहिए, क्योंकि ऐसे कविता जब गुनगुनाएंगे आप तो आपके अंदर एक नई ऊर्जा का जो है उत्पादन होगा, और उस ऊर्जा से जो है आप जो है अच्छे रास्ते पे चलेंगे। और आपके गीत गुनगुनाने से जो है, आपके ऐसे कविता गुनगुनाने से आपके अगल बगल जो भी गीत को सुनेंगे उनके अंदर भी जो है एक संस्कार की भावना उत्पन्न होगी। हम चाहेंगे सर कि इस कविता को आप लोग बढ़िया से अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ सर, ये कविता मैंने शिक्षक दिवस के दिन सुनाया था, और उससे ये बच्ची बहुत इंस्पायर हुई थी, और ये सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है, जिसको मैंने भी सुना था हरिवंश राय बच्चन, सॉरी अमिताभ बच्चन जी ने इसका बहुत अच्छा केबीसी जब आती है तो उसमें उन्होंने बताया था, और ये बच्ची इंस्पायर हुई और इसने उसको गुनगुनाया, और ये फर्स्ट प्राइज हिंदी दिवस के दिन इन्हीं का था। अच्छा। हाँ सर, काफ़ी अच्छा कविता भी है, और इस कविता से लोगों को ये सीख मिलती है कि कभी हमको हार नहीं हारना नहीं चाहिए। जो कि आज इनका कंपटीशन हुआ सर, उसके लिए तो ये इनका इनके द्वारा जो कविता गाई गई है वो एकदम बेनिफिशियल था, और सच भी कहा गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये भी जान लीजिए कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो चींटी को देखिए, एक चींटी होती है और अपने से कई गुना अधिक वजन लेकर चलती है कि नहीं? देखें आप लोग चींटी को, कभी कभी आप घर पे जाइए देखिए, अगर कोई चींटी है उसके आगे एक दाना डाल दीजिए और आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि चींटी से कई गुना वजन उसका अधिक रहता है, लेकिन चींटी जो है उसके पास हिम्मत रहती है और उस हिम्मत के साथ जो है उठा के लेके चल जाती है, जबकि उठाती है लेके जाती है, गिरती है, फिसलती है, लेकिन फिर बार बार जो है वही करती है, लास्ट में लेकर चली जाती है ना। तो आप लोग को भी कंपटीशन में आप लोग नंबर अच्छे नहीं ले आए हैं तो आपको हारना नहीं है, आप एक बार कंपटीशन में फेल हुए फिर तैयारी करना है, फिर कंपटीशन बैठना है, फिर फेल होना है, फिर तैयारी करना है। इस तरह से करते करते एक दिन आपको ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि हाँ अब हमारा जो है कंपटीशन का, जैसे मैं पूरा बता दे रहा हूँ, जैसे इस पेपर में लगभग 100 सवाल है, 100 सवाल मान लेते हैं, लगभग मान लेते हैं इस पेपर में 100 सवाल है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आप लोगों को याद करने के लिए दिया गया, और आज कंपटीशन है, आप जो है 100 सवालों में से आपने 10 सवाल याद कर लिया, तो आप जब कंपटीशन में आएंगे तो आप तो फेल हो जाएंगे क्योंकि 10 ही याद हुआ। दूसरे दिन फिर जाएंगे, फिर मेहनत करेंगे, अगर हार जाएंगे तो फिर वहीं से ख़त्म, दूसरे दिन फिर मेहनत करेंगे तो 100 सवाल में से फिर जो है 10 याद होगा, 20 हो जाएगा, 20 के बाद इसी तरह करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको जो है 100 सवाल पूरा याद हो जाएगा। फिर चाहे आप कोई भी कंपटीशन बैठिए, किसी भी कंपटीशन बैठिए, आपको 100 का 100 सवाल आ गया तो आप जो है टॉप कर जाएंगे, होगा कि नहीं? आपके किताब में से ही सवाल आएगा, कहीं भी जाएंगे कंपटीशन में आपके किताब से ही सवाल आएगा, अलग से बाहर से कहीं से नहीं आएगा, चाहे किसी
किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, आप अगर नाइन के लिए कंपटीशन कर रहे हैं तो 8, 7, 8, 9, 6, 7, 8 तीन सब्जेक्ट्स में, तीन क्लास के ही सब्जेक्ट से जो है आपके सवाल आएगा, और तीनों क्लास का हो सकता है कि कक्षा 8 में आपको पूरा मिलेगा। यानी कि इस किताब में जितना सवाल है ना, किसी भी कंपटीशन बैठेंगे, इस बुक में जितना सवाल है उसी सवाल में से आपको कंपटीशन में सवाल आएंगे। लेकिन अगर आपको ये पूरा किताब कंठस्थ नहीं है तो आप जो वहाँ पर फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस किताब को पूरी तरह से आप कंठस्थ कर लेंगे। जब कंठस्थ कर लेंगे तो सर जी आप इस किताब में से कहीं से सवाल पूछेंगे तो आप लोग भी आंसर बड़े आसानी से दे देंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोग को मेहनत करना है कि बुक को जो है पूरा रट लेना है, और बुक के साथ साथ जो है उसके अंदर का जो सवाल है उसको समझने की ज़रूरत है, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि रटेंगे तो भूल जाएंगे, और दिमाग में जब बैठ जाएगा उसका किस तरह से सवाल है, किस तरह से उसका आंसर जवाब है, तो वो अच्छे से हमेशा के लिए याद रहेगा, ठीक है।